हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन्ड यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड मैंने आपको बताया था पावर्स ऑफ लिटरल नंबर्स, कोफिशियंट, व्हाट इज द कोफिशियंट क्या होता है। देन आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशियंट क्या होता है। न्यूमेरिकल वैल्यूज नोन एज न्यूमेरिकल कोफिशियंट एंड वेरिएबल्स इज नोन एज लिटरल कोफिशियंट। एंड देन आई एक्सप्लेन्ड यू द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या टर्म्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम, ठीक है। नाउ इन टूडेज लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स एंड सो ऑन। ओके, चलिए देखते हैं। लाइक एंड अनलाइक टर्म, द टर्म्स विच हैव द सेम variables are called like term. The terms which have the same variables are called like terms. Okay, just like that, आपका example है यहाँ पे 5x, same variables means जो आपके literal हिस्से हैं वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट अगर टर्म की बात करें, यहाँ पे क्या है, ये 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे आप देखोगे वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे भी देखोगे क्या वेरिएबल क्या है x। तो एट ऑल द प्लेसेस वेरिएबल्स आर सेम, सो दीज आर नोन एज लाइक टर्म्स। अनलाइक क्या होता है, इफ़ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, नंबर्स कुछ भी हो बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है मैटर नहीं करता। अगर वेरिएबल्स सेम, इफ़ द वेरिएबल्स आर सेम, देन द टर्म्स आर नोन एज लाइक टर्म्स। ओके, एंड लाइक टर्म्स के बीच में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इजली। टर्म्स विच हैव द डिफरेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म, जस्ट लाइक 3x, 2x स्क्वायर एंड 5xy। हियर अगर इस टर्म की बात करें, हियर वेरिएबल इज x, इन सेकेंड टर्म द वेरिएबल इज x स्क्वायर एंड इन थर्ड टर्म वेरिएबल इज xy। सो आप देख सकते, यू कैन सी इन तीनों टर्म्स में वेरिएबल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ओके, तो यहाँ से आप बता सकते हो, बोल सकते हो, यू कैन से डैट ऑल दीज टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स एंड हियर ऑल दीज टर्म्स आर लाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जस्ट लाइक दैट 5x² y एंड 2xy इंटू 3x। अब मैं आपसे बोलूँगी बेटा बताओ इन दोनों टर्म्स में क्या कौन सा लाइक है, कौन सा अनलाइक है, विच वन इज द लाइक एंड विच वन विल बी द अनलाइक। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे क्या है वेरिएबल क्या है, x²y। हियर इज द वेरिएबल, सो 5x²y, हियर द वेरिएबल इज x²y। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x²y। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और मैंने बताया था कि जब भी दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो वो टर्म्स डिफरेंट नहीं होते हैं, वो सेम टर्म्स होते हैं। बिकॉज टर्म्स को सेपरेट करने का काम कौन करता है, आइदर प्लस और माइनस कैन डिफ्रेंशिएट टू टर्म्स। ओके, तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो, 2 × 3 बिकम 6। नाउ एक्स इंटू एक्स, एक्स पे पावर वन, यहाँ पे एक्स पे पावर वन, यहाँ पे एक्स पे पावर वन इंटू एक्स पे 2 to the power 1। आपको पता है, आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा हुआ बेटा, एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट क्या है, a² m इंटू a² n। तो क्या होता है, पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y। आप देख सकते हो यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज x²y। तो एट बोथ प्लेसेस वेरिएबल इज x²y, तो हम कह सकते हैं बोथ आर सेम टर्म्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट इज द मोनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो वो क्या होता है, मोनोमियल। द टर्म द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव वन एंड ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। अब मोनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जस्ट लाइक दैट 3x, सिर्फ ओनली वन टर्म, जस्ट लाइक दैट 3x इंटू 2y। अब आप बताइए यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स आर हेयर बेटा, क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको कन्फ्यूज करने के लिए। हाउ मेनी टर्म्स आर हेयर, हेयर इज वन एंड ओनली वन टर्म। यहाँ पे भी कितना एक ही टर्म है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये टर्म्स डिफरेंट, अलग अलग टर्म्स नहीं है, बोथ आर सेम। तो क्या होगा, 3 × 2 6,
एक्स वाई, तो यहाँ हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, वन एंड ओनली वन टर्म। तो डाया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव वन एंड ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल्स, जस्ट लाइक दैट। बाइनोमियल क्या होता है, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैविंग थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो अगर सिंपल से कंसेप्ट है बेटा, अगर किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक सिंगल टर्म्स है देन दैट इज नोन एज मोनोमियल। ओके, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव वन एंड ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल, अगर दो टर्म्स होंगे बाइनोमियल, थ्री टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, और अगर तीन से ज़्यादा हो जाएंगे देन दैट इज नोन एज मल्टीनोमियल, अगर तीन से ज़्यादा टर्म्स होंगे देन दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज मल्टीनोमियल। ओके, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव वन एंड ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल, द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल, द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव थ्री टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल, एंड द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन थ्री एलिमेंट्स सॉरी मोर देन थ्री टर्म्स आर नोन एज मल्टीनोमियल। ओके, तो एक्सरसाइज 9.3 यू कैन डू इजली, या मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस अगर जो कुछ हार्ड होंगे तो मैं देख लूँगा इसको, मुझे नहीं लगता कि बेटा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है, बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एक्सरसाइज 9.3 देन यू कैन सेंड मी योर डाउट्स। ओके चल, एंड वन मोर थिंग बेटा, हियर आई एम रिटेन नोट्स फ्रॉम बुक पेज नंबर 127 एंड 128, आप नोट्स बनाओगे लाइक एंड अनलाइक टर्म आफ्टर द प्रीवियस क्लास, आप लिखोगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, देन इसको आप यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू राइट नोट्स फ्रॉम द बुक पेज नंबर 127 एंड 128, दैट इज यू विल राइट द हेडिंग वेरियस, लिखने की जरूरत नहीं है, या यहाँ से आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट वन विल बी द मोनोमियल, हेडिंग डालेंगे, यू विल राइट अ डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल। ओके, देन सिमिलरली सेकेंड वन इज द बाइनोमियल, हेडिंग विद एग्जांपल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। यहाँ से बेटा ये आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, यू हैव टू राइट। ओके, दिस इज पेज नंबर 128 एंड इसके पहले आपका था पेज नंबर 127, तो ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू राइट द थ्योरी। ओके, एंड आफ्टर राइटिंग द थ्योरी यू विल डू द एक्सरसाइज 9.3। ओके चलिए, नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। चलिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जस्ट लाइक दैट, फाइंड अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। अब ये चलिए पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, ये आपका मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या मल्टीनोमियल है। तो चलिए देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, 3x² y² चलिए, फर्स्टली हम देखेंगे कि प्लस माइनस एडिशन, प्लस माइनस ने किसने टर्म्स को सेपरेट किया है, तो डेट इज 1, डेट इज 2 एंड डेट इज 3। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपके थ्री टर्म्स हैं, यहाँ पे दिख रहा है थ्री टर्म्स हैं, किसी के वेरिएबल्स भी सेम नहीं, तो लाइक टर्म्स भी नहीं होंगे, तो वी इन फर्स्ट क्वेश्चन वी देयर इज थ्री टर्म्स, तो सबकी हम डिग्री लिखते हैं। अब अगर हम डिग्री की बात करें तो सॉरी डिग्री इन पावर, ये मैं लिखने जा रहा हूँ P1 मीन्स पावर ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का पावर क्या है मीन्स वेरिएबल्स पे पावर क्या है, एक्स पे पावर क्या है 2 है, यस, वाई पे पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स हियर इज 1 हिडन, तो 2+1 3। नाउ P2 सेकेंड टर्म, सॉरी ये T1 आपका लिख देता हूँ, ठीक, फर्स्ट टर्म का पावर है T1, सेकेंड टर्म का पावर T2 इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का पावर क्या हो जाएगा, y^2 1 एंड z^1। तो आपको पता है जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1+1=2। नाउ T3 इसका पावर क्या हो जाएगा, 2x^2 + y^2, हियर इज 4।
अब सारे टर्म्स का आपने पावर क्या किया बेटा, निकाला, फाइंड आउट कर लिए। जब हम पावर्स को, सारे टर्म्स का पावर सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे, देन वी विल चेक कि किसका पावर सबसे हाईएस्ट है, और जिसका पावर सबसे हाईएस्ट होगा वही क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। तो आप देख सकते हो कि फोर क्या है, फर्स्ट द पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3, द पावर ऑफ सेकेंड टर्म इज 2, एंड द पावर ऑफ थर्ड टर्म इज 4। तो 4 इज द हाइएस्ट पावर, 4 इज द हाइएस्ट पावर, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 4। मीन्स डिग्री होता क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। जितने टर्म्स हैं सबका हम सेपरेटली पावर फाइंड आउट करेंगे, और जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जस्ट लाइक डैट। चलिए यहाँ देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, 5x²y + 3x^4y²z + 4xq yq * 2xyz। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि इसमें एक विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। तो चलिए फर्स्ट इज चेक इट आउट, हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, यहाँ पे प्लस माइनस को सेपरेट करने का हम बस दो ही बार हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। ओके, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स ये क्या है, सेम होगा, ये एक ही टर्म है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म। ओके, चल इसको हम और एक्सप्लेन करके क्या लिख सकते हैं, 5x²y² + 3x^4y²z + 4×2 8x³(3×x) बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल, देन इट विल बी x²(4y²)³(3×y²)^1 बिकम y²(4), ओके, प्लस एंड इंटू जेड, यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे इंटू जेड। ओके, नाउ अब हम इसका डिग्री निकाल सकते हैं, सॉरी टर्म्स, फर्स्ट टर्म का पावर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का पावर x²(2), तो 2 आ गया, y पे पावर कितना 2, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका 4। ओके, सेकेंड टर्म का पावर निकाल दें, सेकेंड टर्म का पावर x²(4) प्लस y²(2) प्लस z²(1), आपका हो जाएगा इट विल बी 7। नाउ t3 थर्ड टर्म का पावर ऑफ थर्ड टर्म x²(4) y²(4) z²(1) इट विल बी 9। तो आप देखोगे सबसे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट इज द 9। तीनों टर्म्स के पावर्स में की अगर बात करें तो थर्ड टर्म का पावर जो हाईएस्ट है, सो डिग्री क्या हो जाएगा, इट विल बी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल वे इज 9। ओके, इस तरह आप बेटा किसी भी पॉलीनोमियल्स की डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 9.4 भी आप इजीली कर सकते हैं, 9.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक दिस 7, 8, 9, 10 और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देन दिस क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, फॉर दिस वीक आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सरसाइज 9.3 भी बेटा बिल्कुल ओरल है, क्या है आपका, सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, सेपरेट करना, टर्म्स को सेपरेट करना। तो यहाँ पे टर्म्स को अगर सेपरेट करें जस्ट लाइक दैट, एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए, एक a²-3ab (a²-3ab + b²), इसको टर्म्स को सेपरेट करें तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a² कॉमन लगा देंगे, सेकेंड टर्म विथ साइन लेंगे बेटा, रिमेंबर इट, साइन क्या होता है, 3।